हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। हम आज आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर एक कंपटीटर को तो पता होना चाहिए, साथ साथ में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी मालूम होना चाहिए। वाहन अधिनियम सन 1988 पर आज बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों पर बड़ा बदलाव किया है जो कि 1 सितंबर 2019 से सभी भारत में लागू होंगे। क्या बदलाव किए हैं ट्रैफिक नियम, आज हम बात करते हैं उन्हीं पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय पहले सीट बेल्ट लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात अब कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना होता था, अब आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपये। नेक्स्ट, पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने में 1 महीने का समय दिया जाता था, नए नियम लागू होने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने में कितना समय मिलेगा। तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 1 माह का महीना समय दिया जाता था, अब आपको मिलेगा पूरा 1 साल। और नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक जो लाइसेंस की वैलिडिटी है वह 20 साल से घटाकर 10 साल कर दी है, अर्थात जब कोई 50 से 55 साल का व्यक्ति लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जाता है तो उसका वैलिडिटी होगी 60 साल तक की। यदि कोई 55 साल का व्यक्ति लाइसेंस को रिन्यू कराने जाता है तो उसके लाइसेंस की वैलिडिटी होगी केवल 5 साल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर और वायलेंस करने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के माता पिता को दोषी ठहराने के साथ साथ कितने रुपए का जुर्माना होगा। तो नाबालिग के गाड़ी चलाने पर और माँ बाप और गाड़ी मालिक को दोषी ठहराने के साथ साथ उसको 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात अब कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना होता था, अब आपको देने पड़ेंगे पूरे 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना होता था, अब नए नियम लागू होने के पश्चात कितने रुपये का जुर्माना लगेगा। तो यदि आप सामान्य ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे पूरे 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में बिना टिकट के यात्रा करने पर पहले 200 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात कितने रुपए का जुर्माना होगा। तो यदि कोई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर होगा 500 रुपये का जुर्माना। तो टिकट ले लियो मेरे भाई। नेक्स्ट, पहले आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं देना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर आपको देने पड़ सकते हैं 10,000 रुपये। यदि कोई पीछे से एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आ रही है तो रास्ता दे दियो मेरे भाई, नहीं तो 10,000 रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात कितने रुपए का जुर्माना देना होगा। तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 100 रुपये का पहले 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात जुर्माना कितना होगा। तो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहले 1,000 रुपये देना होता था, अब आपको देने पड़ेंगे पूरे 5,000 रुपये। तो भाई स्टंट मत करियो और ना ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीकर पहले गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगता था, नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना लगेगा। तो शराब पीकर कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पूरे देने पड़ेंगे 10,000 रुपये। नेक्स्ट, नए नियम लागू होने के पश्चात यदि गाड़ी के कल पुर्जों की क्वालिटी के कारण गाड़ी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार संबंधित निर्माता कंपनी पर कितने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगी। तो यदि
गाड़ी के कल पुर्जों की क्वालिटी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उस पर सरकार 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है और साथ में उस कंपनी को जब्त भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद कितना जुर्माना होगा? तो अगर आपको शौक है मोबाइल पर बात करते समय गाड़ी चलाते हुए, तो भाई अपने इस शौक को बदल दियो, नहीं तो देने पड़ेंगे पूरे 5,000 रुपये मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद कितना जुर्माना होगा? बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के पश्चात कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो भाई आपको देना पड़ सकता है पूरे 1,000-2,000 रुपये। तो भाई इंश्योरेंस करा लियो गाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? तो दो पहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने पर आपको देने पड़ सकते हैं पूरे 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को आदेश नहीं मानने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना होता था, नए नियम लागू होने के बाद कितने रुपये का जुर्माना होगा? तो आप ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का आदेश के नियम पालन नहीं करते हैं तो आपको देने पड़ सकते हैं पूरे 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओवरलोडिंग पर पहले 2,000 रुपये का जुर्माना लगता था, नए नियम लागू होने के बाद जुर्माना कितना लगेगा? तो यदि कोई गाड़ी ओवरलोडिंग पाई जाती हो तो उस पर देने पड़ेंगे पूरे 20,000 रुपये। तो यही थे वो नियम जो कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वह है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो भाई और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करियो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दियो जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।